हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आज चिकन की रेसिपी बनाने जा रही हूँ और मैं किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल की हूँ वो मैं बताने जा रही हूँ। 1.5 kg मैंने चिकन लिया है, 4 बड़े प्याज लिए हैं, 2 शिमला मिर्च, 2 टमाटर, 3 से 4 लहसुन, 2 बड़े टुकड़े अदरक, तेजपात, लाल मिर्च, सरसों का तेल, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर और काली मिर्च। गैस को मैंने कर लिया है ऑन और इस पे मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। मैं डालूँगी इसमें मस्टर्ड ऑयल, और मैं इन सारे चीज़ों को एक बार फ्राई करूंगी। तेल हो गई है मेरी गरम और मैं इन सारी चीज़ों को डालूंगी। मैं डालूंगी इसमें नमक, दो छोटे चम्मच से मैंने डाले। जब आप इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं और इसका पेस्ट बना के रेडी कर लीजिए, तब चिकन में एक अलग ही प्रकार का टेस्ट आ जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने बना लिया इनका पेस्ट। कढ़ाई में फिर आप इसमें मस्टर्ड ऑयल डालें। तेल को अच्छे से पकने दें। तेल के पक जाने के बाद इसमें थोड़ी सी जीरा, तेजपात और 2 खड़े लाल मिर्च डालने हैं। तेल हमारा पक चुका है। जीरा अच्छी तरह से पक जाने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें चिकन। थोड़ी देर पक जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी सारे मसाले और जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी मैं डालूंगी। नमक आप अपने स्वादानुसार डालें। Thank you.
और वो जो मैंने पेस्ट तैयार किए थे वो भी मैं डाल दूंगी इसमें। और मैं इसे थोड़ी देर के लिए भून दूंगी। इस तरह से आप चिकन बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अच्छी सी खुशबू आ रही है। मेरी चिकन हो गई बनके रेडी और इसे खाने के लिए हम सब हैं तैयार। बोल देते हैं हेलो गाइस, देखिए हमारे घर में चिकन बना है, चिकन पक के तैयार हो गया है, अब हम लोग खाने में बस खा रहे हैं। देखिए